गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग सभी विद्यार्थियों को आज के इस न्यू क्लास के लिए जो आइडल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से फिर से 10th क्लास सब्जेक्ट हमारा जो ज्योग्राफी है उसमें जो हमारा चैप्टर 8 चल रहा है तो उसका जो आज हमारा न्यू टॉपिक रहेगा वो कहीं ना कहीं राजस्थान के अंडर वाटर कंजर्वेशन को लेके रहेगा। जो हम सैटरडे को जितने मेरे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं हम वीडियो नहीं दे पाए आपको किसी रीजन से, तो आज मैं आपको सैटरडे और आज का दोनों का मिला हुआ वीडियो में लेके आया हूं और उन दोनों वीडियोस को मैं आज एक साथ प्रेजेंट करूंगा। आज हम राजस्थान के अंदर जो पानी की जो प्रॉब्लम्स बनी रहती है दोस्तों, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे किया जो हमारे रूलर्स थे, जो हमारे शासक थे या हमारे जो पुराने जो लोग थे जो कहीं ना कहीं परंपरागत तरीके से पानी को कहीं ना कहीं कंजर्व करते थे, उसको रोकते थे, तो उसी पर लेकर आज हम इस वीडियो को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वो सोम अंबा कमला परियोजना जो सबसे मेन क्वेश्चन माना जाता है इस चैप्टर में, क्योंकि ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोम अंबा कमला परियोजना क्या है। इसके साथ ही दोस्तों दूसरा है राजस्थान में जो परंपरागत जल संरक्षण स्रोत है, अब परंपरागत का एक वर्ड आता है परंपरा, मतलब वो संसाधन इसमें शामिल किए जाते हैं जिन संसाधनों का उपयोग राजस्थान के अंदर यहाँ के निवासी यहाँ के लोग पहले से करते आ रहे थे, जिनमें पानी की कमी होने पर या बारिश का ना होने के कारण इन रिसोर्स के अंदर जो पानी रहता था वो कहीं ना कहीं पीने के योग्य पानी काम आता था। तो आज मैं अरविंद चारवाल जो आइडल अकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से आपको इस टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं, उम्मीद करूंगा कि इस टॉपिक को आप थोड़ा ध्यान से सुने क्योंकि ये टॉपिक हमारे मेन टॉपिक है इस चैप्टर के। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि इस परियोजना में सोम अंबा कमला परियोजना क्या है, किसे कहते हैं सोम अंबा कमला परियोजना। सोम अंबा कमला परियोजना के अंतर्गत यहां पर हम एक रिवर का नाम लेंगे जो कहीं ना कहीं सोम नदी, जो हमारी रिवर है सोम नदी, इस पर कमला अंबा जो गांव है इन गांवों के अंदर इस परियोजना को बनाया गया। इस परियोजना में कमबला गांव पर जो बांध बनाया गया इसी को हमने नाम दे दिया सोम अंबा कमला परियोजना। सोम अंबा कमला परियोजना का मुख्य जो उद्देश्य था, या कहते हैं कि जब भी कोई परियोजना बनाई जाती है तो उस परियोजना का एक मेन एम होता है, एक मेन लक्ष्य होता है और हमें उस लक्ष्य को पूरा करना होता है। और इसका मुख्य उद्देश्य था जो वागड़ जो क्षेत्र है हमारा, या जिसे हम बांगड़ क्षेत्र बोलते हैं, उसके में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, इरीगेशन फैसिलिटी डेवलपमेंट करने के लिए हमने इस परियोजना को बनाया। इस परियोजना के लिए सबसे पहला जो काम था वो किन डिस्ट्रिक्ट में और किस एरिया को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। इसमें कमला अंबा गांव में बने बांध से डूंगरपुर जो हमारा जिला है राजस्थान के अंदर, जो आदिवासी जिला जिसको हम बोलते हैं, काफी बैकवर्ड एरिया बोलते हैं, उस एरिया में आसपुर नामक जो एरिया है वहां का, वहां पर और उदयपुर की सलूमपुर तहसील के गाँव को भी इस परियोजना से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इसके साथ ही राजस्थान के अंदर जो हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा दोस्तों आज का, वो है परंपरागत जल संरक्षण रूप क्या है, परंपरागत जल संरक्षण नीति क्या है। मैं सामने आपके कुछ पिक्चर्स लेके आया हूं। सबसे पहला मैं टॉपिक चर्चा करूंगा नाड़ी की, नाड़ी क्या होती है। आपके सामने कुछ बच्चे, कुछ महिलाएं, कुछ सर पर मटका लेकर हुए दिखाई दे रही है, इनके पीछे आपको जल का स्रोत दिखाई दे रहा है जो कम से कम मैं कह सकता हूं 4 से 3 फीट जो डीप में है, थोड़ा इसकी जो चौड़ाई वो भी कम है, लेकिन यहां पर बारिश का पानी क्या हो गया, स्टोर हो गया। लेकिन इसको समझने के लिए हमें प्रयास करना होगा कि ये सामान्यतः तालाब का छोटा रूप होता है जो गांव के अंदर है, गांव से बाहर बना हुआ होता है, और इस तालाब के रूप में हम इसको वेस्टर्न राजस्थान में कहीं ना कहीं हम नाड़ी के नाम से जानते हैं। नाड़ी जो है वो पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा पाई जाती है और इसके अंदर नाड़ी जो हमारा जो एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें रेतीले जो भाग है वहां पर मैदानी भाग में वर्षा जल को इकट्ठा किया जाता है, क्योंकि वहां पर वेस्टर्न राजस्थान में पानी बहुत कम मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में पानी पाया जाता है, इस रीजन से वहां पर बारिश के पानी को स्टोर कर पीने योग्य काम में लिया जाता है। सेकंड पिक्चर्स में मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि इस पिक्चर्स कुछ महिलाएं देखो नाड़ी के अंदर से पानी भरते हुए दिखाई दे रही है। नाड़ी की जो औसतन जो गहराई होती है वो लगभग 4 से 5 मीटर गहरी होती है, जिसमें आसानी से एक लंबे टाइम तक पानी स्टोर रह सकता है। दोस्तों जो अगला जो मेरा टॉपिक जो नाड़ी का है, उस टॉपिक के अंदर नाड़ी का जो आकार वह छोटा तो होता ही है,
कम गहराई वाला होता है, लेकिन वर्षा जल के साथ आने वाली मिट्टी के कारण जो लगातार यहाँ पर अल्प मात्रा में या कहते हैं कुछ समय के लिए ही पानी को स्टोर कर सकते हैं, इसलिए हमें हर साल इसको बार बार मिट्टी को निकालना पड़ता है, छपाई करनी पड़ती है, जिससे कि हर साल पानी इसमें स्टोर हो सकता है, लेकिन ये एक लॉन्ग टाइम तक पानी स्टोर करने का रिसोर्स नहीं है। दूसरी हम नाड़ी को लेकर ही चर्चा करें। नाड़ी को प्रतिवर्ष मिट्टी निकालकर और गहरा किया जाता है। नाड़ी जो है वो वेस्टर्न राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान के पेयजल का मुख्य स्रोत या जल स्रोत के नाम से इसको जाना जाता है। तो दोस्तों नाड़ी को तो हमने चर्चा की, अब जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो एक अच्छा टॉपिक है जो मोस्ट टॉपिक माना जाता है बोर्ड एग्जाम के पर्पज से, वो रहेगा हमारा कहीं ना कहीं टांका प्रणाली। टांका होता क्या है, जैसा कि नाम से प्रसिद्ध है कि टांका जो है वो कहीं ना कहीं भूमि में 5 से 6 मीटर गहरा एक गड्ढा खोदकर बनाया जाता है। इसमें ऊपरी भाग को पत्थरों अथवा स्थानीय उपलब्ध संसाधनों से उसको क्या किया जाता है, ढक दिया जाता है। एक पिक्चर से मैं आपको मॉडर्न टांका प्रणाली दिखा रहा हूं, जहां पर जो ये टांका प्रणाली जो आपके सामने देखने को मिल रही है, इस टांका प्रणाली में जो ये एरिया बना हुआ है ये पानी का स्रोत है, जो कहीं ना कहीं छोटा छेद छोड़ दिया जाता है जिसमें पानी इजीली इसने आसानी से एंट्री कर जाता है, और बारिश का पानी एंट्री करने के बाद एक लंबे समय तक यहां से इस एरिया से हम पानी को इजीली निकाल सकते हैं। यहां से किसके द्वारा, पाइप के द्वारा या फिर अपने जो परंपरा का जो स्रोत है उनके द्वारा पानी को हम यहां से आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये टांका प्रणाली मॉडर्न टांका प्रणाली है। मॉडर्न टांका प्रणाली के अंतर्गत हम थोड़ा और चर्चा करते हैं टांका प्रणाली पर। टांका जो पश्चिम राजस्थान में जल संग्रहण तथा जल संरक्षण का एक सबसे मेन साधन है, सबसे मुख्य रिसोर्स है, क्योंकि इसी रिसोर्स से वहां पर लोग पीने का पानी या पीने का पानी यूज करते हैं, या कहते हैं कि गांव में जगह जगह घरों के अंदर यह प्रणाली बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल रूप में है, या कहते हैं लंबे समय तक इसको यूज किया जाता है। कहते हैं वर्षा जलों का जो पानी है, वर्षा का जो पानी है या वर्षा जल जो है छतों पर जो पानी भर जाता है घरों की छतों पर, वहां का पानी इसमें आगोर से संरक्षित किया जाता है, या कहते हैं इसको एक वर्ड है राजस्थान के अंदर आगोर, या कह सकते हैं इसको एक जगह इकट्ठा करना, हम इसको नाम से जानते हैं। दोस्तों एक थोड़ा सा मैं चर्चा टांका पे और आगे करना चाहता हूं कि टांका प्रणाली जो है वो आंतरिक भाग में राख तथा बजरी का लेप कर दिया जाता है। इसका एकमात्र अच्छा रीजन है कि ताकि पानी नीचे स्टोर रहे, सूखे नहीं, और राख का यूज इसलिए भी किया जाता है जिससे कि पानी साफ रहे, स्वच्छ रहे और कहीं ना कहीं पीने योग्य लगा लंबे समय तक बना रहे। यह लेप टांका में जल का रिसाव तली के कटाव को रोकने का भी काम करता है। दोस्तों टांका प्रणाली के अंतर्गत राजस्थान में एक प्रणाली के अंतर्गत एक योजना चलाई राजस्थान सरकार ने, और उस योजना का नाम था जल स्वावलंबन योजना। इस जल स्वावलंबन योजना के अंतर्गत अन्य योजनाओं में टांकों का निर्माण लगातार किया गया, क्योंकि वेस्टर्न राजस्थान के अंदर लगभग 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, और इस बारिश के पानी को जो थोड़ी बहुत बारिश होती है और उस पानी को इजीली वहां पर स्टोर किया जा सकता है, इसलिए इस प्रणाली को यूज किया गया, क्योंकि यहां पर रिवर्स नदियां ना के बराबर बहती हैं, क्योंकि पूरा एरिया डेजर्ट एरिया में आता है। दूसरी हम बात करते हैं बेरी अथवा छोटी कुई की। ये भी एक राजस्थान के अंदर एक परंपरागत जल का स्रोत है जिसको वहां के लोग वेस्टर्न राजस्थान में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। वेस्टर्न राजस्थान में इसको यूज करने के साथ साथ इनको तालाब या खड़ीन में आगोर भूमि से 5 से 6 मीटर गड्ढा खोदकर बनाया जाता है। कह सकते हैं एक तरफ तो तालाब होता है, दूसरी तरफ खड़ीन होती है, उसके मिड में गड्ढा खोदकर बना दिया जाता है, जहां पर दोनों का पानी रिस रिस कर इसके अंदर डीप में भरता रहता है, जो बहुत ही डीपली गहराई में होने के कारण इसको लॉन्ग समय टाइम तक या लंबे समय तक पीने योग्य पानी प्राप्त होता रहता है। इनका जो व्यास है वो लगभग 2 से 3 फीट का रहता है, जिसमें इजीली सबको पीने का पानी उपलब्ध हो जाता है। बेड़ी और छोटी कुई के अंदर जो इसकी दीवारों को पत्थरों से बांधा जाता है, या मैं कह सकता हूं पत्थरों का जल से यूज किया जाता है, जिनमें से भूमिगत जल रिस रिस कर आता रहता है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि वास्तव में जो भूमिगत जल है वो इजिली इसके अंदर आसानी से आता रहता है, जैसे कि तालाब का जल हो गया या फिर अदर रिसोर्स का जल हो गया, वो इजिली इसके अंदर आता रहता है। इनको स्थानीय भाषा में या कहते हैं राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट के अंदर इसको नॉर्मल भाषा में बेरी कहते हैं, और हम अपनी भाषा में इसको छोटी कुई के नाम से जानते हैं। राजस्थान में बेरियां जो हैं वो बाड़मेर और जैसलमेर में सबसे ज्यादा पाई जाती है। ये भी अच्छे से याद रखना कि दो ऐसे डेजर्ट एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा बेरियां बनाई जाती हैं। अगला जो मैं टॉपिक लेके आया हूं दोस्तों वो खड़ीन है। ये भी एक परंपरागत जल स्रोत है वेस्टर्न राजस्थान का, पश्चिमी राजस्थान का। जो जैसलमेर के पालीवाल के जो ब्राह्मण थे, या जैसलमेर पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा अपनाई गई एक जल संरक्षण और जल प्रबंधन की तकनीक थी। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन याद रखना, खड़ीन को बनाने के लिए
किस वर्ष के शासकों ने इसको यूज किया था? तो जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने इसको यूज किया था या इसको बनाया था। ये एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ साथ ही पेयजल के सबसे उपयुक्त तकनीक की श्रेणी में इसको रखा जाता है। अगला जो खडीन को हम चर्चा करेंगे, इसमें पहाड़ी भागों में वर्षा काल में या बारिश के समय में मॉनसून टाइम पीरियड में ही जो पानी लगातार बहते हुए नीचे ढाल के रूप में आता है उसको कच्ची या पक्की मेड़ बनाकर दीवार बनाकर इसको रोक लिया जाता है। ये जैसे कि आप जब एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर मेड़ बंदी करते हैं पानी को रोकने के लिए, इसी प्रकार पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर मेड़ बनाकर इस पानी को रोक लिया जाता है जिसको कहीं ना कहीं दीवार के एक भाग को या कह सकते हैं जब ज्यादा जल इसमें इकट्ठा हो जाता है तो कहीं जैसे हम डैम्स के अंदर गेट खोल देते हैं ऐसे ये दीवार को हटा दिया जाता है जिससे इससे दूसरे लगते हुए दूसरे खड़ी भूमि जल मिल सके या कह सकते हैं वहां पर पानी जाकर स्टॉक हो सके। ऐसा इस खड़ी को बनाते समय इस प्रकार के पानी को यूज किया गया था। इसके साथ ही खड़ीन के अंदर अगर हम थोड़ी और बात करें तो खड़ीन भूमि में वर्षा के जल में जो जल है उसको भूमिगत जल में वृद्धि करता है, कहते हैं अंडर वाटर लेवल जो पानी का है उसको इंक्रीज करने के काम आता है। मिट्टी में हमेशा नमी बनी रहती है और मिट्टी का संरक्षण भी इसी के द्वारा बना रहता है। इसके साथ साथ इससे इसके किनारों और आगोर पर बनी बेरियों से ग्रीष्म काल में पेयजल मिलता रहता है, मतलब गर्मी के ऋतु के अंदर ग्रीष्म ऋतु में कहीं ना कहीं पीने का पानी इन्हीं खड़ीन के द्वारा हमें प्राप्त होता रहता था। इससे जो रबी और खरीफ की जो फसलें हैं दोनों ही फसलों से आसानी से पैदावार की जा सकती है, कह सकते हैं सिंचाई के रूप में यहां से पानी को यूज किया जा सकता है। वेस्टर्न राजस्थान में सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है। थैंक यू, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं बेटा अगले चैप्टर में जो हम लेकर आएंगे आप सामने चैप्टर 9। लेकिन उससे पहले मैं आपको मुख्यमंत्री के द्वारा राजस्थान में चलाए जाने वाली योजनाओं के अंतर्गत मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा अगले टॉपिक पर। थैंक यू।